एचसीएल के सीएफओ और प्रेसिडेंट पवन के दनकर ने कहा, एचसीएल के लिए यूपी एक घर है। हम भारत की टॉप 3 कंपनी हैं और हमारा एक हेडक्वार्टर यूपी में है। यूपी में हमारा लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट लखनऊ में किया गया है। 800 करोड़ रुपए हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और वो इसलिए संभव हो पाया कि सरकार की पॉलिसी के तहत बहुत कम समय में ये सारा काम हो गया। लखनऊ की इकाई में लगभग 85% इम्प्लॉय यूपी से और 70% सिर्फ लखनऊ से हैं। इस पूरे प्रोग्रेस में यूपी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सरकार में जो चीज मुझे अलग दिखती है वो है प्रोएक्टिवनेस। समस्या हर काम में आती है, लेकिन उसके समाधान करने का तरीका बहुत अद्भुत है। अगले 3 साल में हमारी योजना यहाँ 4,200 करोड़ के निवेश की है। 500 करोड़ लखनऊ में निवेश होगा, जिसमें 6,000 एम्प्लॉयमेंट और एड हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेस में भी एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 3,700 करोड़ का निवेश होगा। यह ग्लोबल जॉइंट वेंचर है, जो पहली बार यूपी में आएगा। यूपी सरकार की पॉलिसी बहुत पारदर्शी है। यहाँ अपनी समस्याएं बताने में संकोच नहीं होता और अधिकारी भी प्रोएक्टिव होकर उसका समाधान कर देते हैं। आज से करीब 50 साल पहले एक तमिल युवक इंजीनियर अपनी जन्मभूमि छोड़कर तमिलनाडु से यूपी को अपनी कम भूमि बनाता है और उनका नाम शिव नाडर है, जो उस कंपनी को एक ग्लोबल कंपनी बनाकर आज करीब 1,00,000 करोड़ रेवेन्यू के साथ और 4,00,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ यूपी में आज काफी इकाइयों के साथ चल रहे हैं। हमारा लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट लखनऊ में हमने किया है, जो करीब 6 साल में करीब 11,000 इम्प्लाइज यहां काम करते हैं। 800 करोड़ रुपया ऑलरेडी इन्वेस्ट हमने यहां पे किया और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज जो भी पॉलिसी सर थी गवर्नमेंट की, वो इतने स्ट्रीमलाइन तरीके से इम्प्लीमेंट हुई कि बहुत शॉर्ट पीरियड में ये सारा काम हुआ। हमारे करीब 2.5 लाख इम्प्लाइज ग्लोबली हैं, इंडिया में करीब 2 लाख इम्प्लाई हैं, उसमें से 25% इम्प्लाई यूपी में काम करते हैं। लखनऊ की इकाई में करीब 85% इम्प्लाइज यूपी से आते हैं सर, एंड 70% इम्प्लाइज सिर्फ लखनऊ से आते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इन 70% इम्प्लाइज विच इज ऑलमोस्ट 7,000 पीपल, काफी सारे दूसरे कंट्री से आकर वापस प्रदेश में बस गए हैं क्योंकि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो किसी ने पहले कभी सोचा नहीं था। इस पूरे प्रोग्रेस में सर, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोएक्टिव पॉलिसीज आई एम सी, एक दूरदर्शिता, सबसे जो अलग, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं काफी रेगुलर बेसिस पे, जो सबसे डिफरेंस मुझे नजर आया बाकी स्टेट से, प्रोएक्टिवनेस। प्रॉब्लम हर काम में आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन करने का तरीका वो बहुत अद्भुत है सर। उसके लिए मैं बधाई दूंगा आपकी पूरी टीम को एंड उसके लिए धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कि हम आगे 3 साल में क्या करने का विचार कर रहे हैं एज ए ग्रुप। हमारा प्लान करीब 4,200 करोड़ फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का है अगले 3 साल में। 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लखनऊ में ही करने जा रहे हैं सर। फेज 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को पता है। सो उसमें करीब 6,000 एम्प्लॉयमेंट और ऐड हो जाएगी अगले 3 साल के अंदर। तो यूपी में हमारे टोटल मिला के करीब 60,000 इम्प्लाई हो जाएंगे एंड लखनऊ में करीब 16,000 इम्प्लाई हमारे हो जाएंगे अगले 2-3 साल में। एक प्रोजेक्ट और हम यमुना एक्सप्रेस पे ला रहे हैं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं नाम नहीं थोड़ा शेयर कर सकता, बट हमारा अप्रूवल इज ऑन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वहां पे उसका इन्वेस्टमेंट करीब 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एंड ये ग्लोबल जेवी है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूपी में आएगा सर, यमुना एक्सप्रेस पे। ये बिजनेस साइड मैंने एक्सप्लेन किया, मिस्टर नाडर एंड फैमिली फिलंथ्रोफी साइड बहुत काम करते हैं, सीएसआर एंड फिलंथ्रोफी साइड। हरदोई में हमने काफी जिलों को वहां पे लेके डेवलप किया है। करीब हमारा फाउंडेशन से, जो शिव नाडर फाउंडेशन फैमिली फाउंडेशन है, उसी का करीब 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा यूपी में है।
जिसमें हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लीडरशिप अकेडमीज, शिक्षा पे काफी काम करते हैं, और जो हमें सहयोग मिलता है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से वो बहुत सराहनीय है, हम उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। जहां तक इंसेंटिव की बात है सर, मैं बहुत गर्व से कहना चाहूंगा कि हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कभी इंसेंटिव लेने में आई नहीं। लखनऊ का जो हमारा कैंपस है, स्टार्टिंग में एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया, उसके बाद पिछले 5 साल से हमें लगातार इंसेंटिव मिल रहा है ऑन ए रेगुलर बेसिस, एंड वी ऑलरेडी गॉट मोर देन 100 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पॉलिसीज बहुत ट्रांसपेरेंट है सर, और एक हेजिटेशन होता नहीं है। आपकी जो टीम है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आके बड़ी फ्रेंकली उस प्रॉब्लम को रख देते हैं, एंड बड़े प्रोएक्टिव तरीके से उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है। इसके लिए हम बहुत आभार करते हैं गवर्नमेंट का, और इसी के साथ कि ये प्रदेश, हम सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, आई थिंक जो ट्रांसपेरेंसी और प्रोएक्टिवनेस है पॉलिसीज में और ऑफिसर्स की कोऑपरेशन में, उसके लिए धन्यवाद सर।